प्रदेश में पीएससी में चयनित नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयन पद्धति में घालमेल कर लगाए जा रहे आरोप को मनगढ़ंत और छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था का माहौल खराब करने का प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नसीहत दी है कि यदि कोई प्रमाण है तो भाजपा पेश करे, हम जाँच करवाएंगे, बिना तथ्य फर्जी आरोप से माहौल खराब न करें। अगर उनकी योग्यता पर सवाल की बात है तो क्या सामान्य युवा यहाँ का योग्य नहीं है क्या? अधिकारी और नेताओं के बच्चे ही योग्य हैं? अगर क्या मुख्यमंत्री जी इसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से या हाई कोर्ट के किसी जज से जांच करवाएंगे क्या? और अगर उनमें दम है तो हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच इसकी करवाएं, क्योंकि देश छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के मन में बहुत बड़ी आशंका है कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि राजनीति कर रही है बीजेपी। इसमें राजनीति क्या है? युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो और बीजेपी विपक्ष में है, अगर बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी तो लोगों के युवाओं के साथ में अन्याय होगा। तो मनमोहन सिंह जी तो रिमोट से चलते थे, वो कैसे कहेंगे? कोई फटकार नहीं है। ये सामान्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुद्दे लाए गए हैं तो उन्होंने निर्देश दिए, ये सामान्य बात है। उनको क्या मालूम नाराज होंगे? ये तो 2023 के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि नाराज है कि नहीं। आज पूरा बस्तर आग में जल रहा है, रोज वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, आदिवासी सड़कों पर उतर रहे हैं, रोज उतर रहे हैं। एक दिन नारायणपुर की घटना बताती है कि आदिवासी कितने नाराज हैं। अभी कुछ लोग पीएससी के जो सिलेक्शन हुए उसमें सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में चाहे देश में हो चाहे राज्य में, बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन राजनीतिक परिवारों से, ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, ये कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है? और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है उसे सामने लाया जाना चाहिए, कोई जांच कराए। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो राज्य हो वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा? इसके पहले क्या नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुई।